डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे बनाना कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बनाना से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वैरायटी और उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट को स्टडी कर लिया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यह यूट्यूब चैनल आपको AO, JET, NET, PG, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, तो आज की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है बनाना कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बनाना, एडिबल बनाना यानी मूसा पेरेडियसिया का जो है वह मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना का क्रॉस है। मूसा एक्यूमिनाटा को लेटर ए से डिनोट किया जाता है और मूसा बाल्बिसियाना को लेटर बी से डिनोट किया जाता है। तो जितने भी एडिबल बनाना है जो कि मूसा एक्यूमिनाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं या यह है मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना के क्रॉस से बने हुए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बनाना कल्टीवेशन में आपने डबल ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, ए बी बी ग्रुप, ये सब आपने देखे होंगे। तो इन सब को भी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उनमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बनाना जो है फैमिली म्यूसेसी की फ्रूट क्रॉप है और इसका ओरिजिन देखें तो यह साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेटेड फ्रूट क्रॉप है। इसे कल्प थ्रू ए प्लांट ऑफ वर्चू, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिगर ट्री और विजडम के नाम से भी जाना जाता है। और बनाना जो है एक कैल्सी फ्यूज क्रॉप है, यानी इसमें जो फल बनाना की क्रॉप है वह एसिडिक सॉइल में तो ग्रोन की जा सकती है लेकिन अल्कलिनिटी को यह टॉलरेट नहीं करती है। वैल्यू देखें तो पर 100 ग्राम में इसमें क्लोरोफिक वैल्यू 67 से लेकर 137 तक होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बनाना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट्स को भी देख पाओगे। यहाँ बनाना के आप प्लांट को देख पा रहे हो। तो जो बनाना का फ्रूट है वह बेरी होता है और इसका अगर एडिबल पोर्शन देखें तो मीजोकार्प और एंडोकार्प जो है यह इसका खाद्य भाग होता है और जो एडिबल पल्प होता है वह स्टार्ची पेरेन्काइमा होता है। फ्रेंड्स, बनाना में पोलिनेशन जो है बीज और बर्ड्स के द्वारा किया जाता है और अगर इसमें प्लेसेंटेशन की दृष्टि से देखें तो इसमें एक्सल प्लेसेंटेशन पाया जाता है और इसकी जो ओवरी होती है वह ट्राइलोक्युलर ओवरी होती है। अब देखते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्रेंड्स, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे स्पेडिक्स कहते हैं और इसमें अगर गुणसूत्र संख्या देखें तो इसमें गुणसूत्र जो है वह 7 से लेकर 11 तक होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एडिबल बनाना है उसमें गुणसूत्र संख्या X=11 यानी बेसिक गुणसूत्र संख्या X=11 होती है। इसके अलावा यह है 2N=22, 33 और 44 तक हो सकता है। यानी जो इसमें ट्रिप्लोइड कल्टीवर है वह न्यूमरस होते हैं, डिप्लोइड लेस और टेट्राप्लोइड जो है वह बहुत कम होते हैं। तो जो बनाना है वह वन टाइम फ्रूट बियरिंग प्लांट है, यानी लाइफ में एक बार ही फ्रूट बियरिंग करता है और मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड बनाना है वह ट्रिप्लोइड नेचर के होते हैं। तो बनाना जो है ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल मोनोकार्पिक मोनोकोटलेडिन मॉइस्चर लविंग हर्बेशियस ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इस एक लाइन में ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मॉइस्चर लविंग है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो बनाना है मॉइस्चर लविंग है, क्या यह शाकीय है कास्टीय है, तो यह एक हर्बेशियस यानी शाकीय पादप है। इसी तरह यह एक बीजपत्री है, तो यह सभी हमने एक ही लाइन में कवर कर लिया है। तो बनाना में जो सीडलेसनेस होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण पाई जाती है और अगर प्रोड्यूसर की दृष्टि से देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। इंडिया में टोटल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही फर्स्ट रैंक पे है बनाना के अंदर। और अगर हमने एरिया में देखें तो मैंगो के बाद में बनाना जो है सेकेंड रैंक रखता है। और अगर इंडिया में हम स्टेट देखें तो तमिलनाडु जो है लीडिंग बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट है और तमिलनाडु में बनाना का प्रोडक्शन जो है पर्टिकुलरली लीफ प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बनाना जो है वह डाइट्री पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स है जो कि नर्व इम्पल्सिस के लिए काम में लिया जाता है। और एडिबल बनाना और प्लांटेन जो है वह टू सीडेड बनाना स्पीसीज मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना से
लिया गया हाइब्रिड और पॉलीप्लॉइड्स है। तो जो मूसा एक्यूमिनेटा है वह डेजर्ट बनाना यानी स्वीट मीट्स की तरह काम में लिया जाता है, और मूसा बाल्बिसियाना जो है वह प्लांटेन और कुकिंग बनाना की तरह काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बनाना में ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो पार्थेनोकार्पिक, पॉलीप्लॉइडी, स्टरलिटी और प्रीडोमिनेंट वेजिटेटिव जो कंडीशन है वह सभी इसके ब्रीडिंग प्रोग्राम को हैम्पर्ड करती है, ब्रीडिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव नहीं होने देती है। और फ्रेंड्स, बनाना के अंदर जीनोमिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 6 क्लासेस ली गई है, जिसमें 2 डिप्लॉइड है, 3 ट्रिप्लॉइड है और 1 टेट्राप्लॉइड है। तो फ्रेंड्स, जो प्लांटिन बनाना है उनको मेल फ्लावर की प्रेजेंस, एब्सेंस और नंबर ऑफ मेल फ्लावर के बेस पर इसको 4 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, फाल्स हॉर्न, फ्रेंच प्लांटेन, हॉर्न प्लांटेन। तो फ्रेंड्स, जो बाल्बिसियाना जीनोम है वह बनाना में ड्रॉट हार्डिनेस और डिजीज रेसिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, जो साइमंड्स और स्फेड हैं इन्होंने मूसा एक्यूमिनेटा और मूसा बाल्बिसियाना के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को डिस्टिंग्विश्ड किया और इन्होंने स्कोरिंग सिस्टम डेवलप की इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 15 करेक्टर्स को स्टडी किया इन्होंने। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें अदर इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, बनाना के अंदर अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है वह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम होता है, जिसे हम राइजोम कहते हैं, और राइजोम जो होता है वही ट्रू स्टेम होता है। और जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है, जो शीथ ऑफ लीफ से बना होता है, उसे हम सूडो स्टेम कहते हैं। और जो एंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है उसे हम पेंडेंट कहते हैं, जिसको कि बंगाल में वेजिटेबल की तरह काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो सूडो स्टेम होता है उसे स्टार्च रिकवर किया जाता है, और बनाना की मूसा टेक्सटाइल जो स्पीसीज है उससे के सूडो स्टेम से बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह जो मूसा इंजेंस जो है वह लार्जेस्ट नॉन हर्ब है, जो कि अप टू 10 मीटर तक की हाइट तक जाती है। फ्रेंड्स, बनाना में मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए कम से कम 10 से 12 पत्तियां जो है वह मदर प्लांट पर होनी जरूरी होती है। अब देखते हैं इसमें क्लाइमेट एंड सॉइल। तो फ्रेंड्स, बनाना जो है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की क्रॉप्स है और असेंशियली एक ट्रॉपिकल प्लांट है, जिसको वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। यह हाई रेनफॉल के अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्रोन किया जा सकता है। इसके बेस्ट ग्रोन करने के लिए टेम्परेचर जो है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होना चाहिए, और एवरेज जो टेम्परेचर है वह 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए बेस्ट रहता है। फ्रेंड्स, इसी तरह जो हाई टेम्परेचर है यानी 36 से लेकर 38 डिग्री टेम्परेचर जो है उसमें ट्रांसपिरेशन बढ़ जाने के कारण इसमें स्कॉर्चिंग इफेक्ट आ जाता है, यानी पौधा जला हुआ दिखाई देने लग जाता है। और अगर इसमें सॉइल अगर देखें तो इसके लिए डीप, वेल ड्रेन्ड, फ्रेबल, लोमी सॉइल जिसमें एडिक्वेट ऑर्गेनिक मैटर हो इसके लिए सुटेबल मानी जाती है। और सॉइल की अगर डेप्थ देखें तो यह 60 सेंटीमीटर डीप तो होनी जरूरी है। अब देखते हैं हार्मफुल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, बनाना के कल्टीवेशन में ऐसी कौन कौन सी हार्मफुल कंडीशन है उन्हीं को हम देखेंगे। तो एरिड जोन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हॉट विंड चलती है वह इसके कल्टीवेशन के लिए डिटेरिमेंटल है। इसी तरह फ्रीजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वहाँ पर इसकी ग्रोथ सीज हो जाती है। इसी तरह वार्म वेदर में जो फ्रूट की ग्रोथ है वह स्टॉप हो जाती है, और कोल्ड वेदर में फ्रॉस्ट जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। इसी तरह जो ड्राई सॉइल कंडीशन होती है वह भी बनाना यील्ड को एडवर्सली इफेक्ट करती है, और स्ट्रॉन्ग विंड जो है वह सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए थ्रेटनिंग का काम करती है। तो यह सभी हार्मफुल कंडीशन थी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप स्पेडिक्स को देख पा रहे होंगे, यह जो नीचे का ये जो पोर्शन है फ्लावर का इसे पेंडेंट बोलते हैं। तो अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन में
सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन जो है अदुथरे तमिलनाडु में है, और बनाना में ब्रीडिंग जो वर्क है सबसे पहले ICTA त्रिनिदाद में 1922 में शुरू किया गया, उसके बाद जमैका में 1924 में शुरू किया गया। फ्रेंड्स, जो ट्रिप्लोइड कल्टीवर होते हैं, यानी जो 3N जो कल्टीवर है वह 4N इंटू 2N में म्यूटिक डिवीज़न के कारण इनकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो 3N इंटू 2N की जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें जो फीमेल पेरेंट है वह जेनेटिक मटेरियल का 3/4 जो है कंट्रीब्यूशन करता है। अब फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में वैरायटीज़ को देखा था, यहाँ पर 5 से 7 जो वैरायटी है इम्पोर्टेंट उनको और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास CO1 हाइब्रिड है बनाना का, उसका फीमेल पेरेंट कौन सा है? केलार लदेन। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है रोबुस्टा, तो रोबुस्टा बनाना जो होता है वह बंची टॉप, एंथ्रेकनोज, सिगार एंड रोड, ब्लैक टिप, फ्रोस्ट के लिए ससेप्टिबल है, लेकिन यह पनामा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट हाइब्रिड है S19 और IC2 जो हाइब्रिड है, यह दोनों हाइब्रिड जो है ग्रॉस मिचेल और मुसा एक्यूमिनाटा वेराइसी मालसेंसिस का क्रॉस से तैयार किए गए हाइब्रिड है। इसी तरह जो मोन्थन वैरायटी है वह अकेली ऐसी वैरायटी है जिसमें ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। इसी तरह यह लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है अदर वैरायटीज़ की वजह ज़्यादा। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है लेडी फिंगर, यह एक डिप्लोइड वैरायटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस्ड है और यह बंची टॉप रेजिस्टेंट होती है। फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट वैरायटी है ग्रॉस मिचेल, यह एक हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि पनामा विल्ट के लिए ससेप्टिबल होती है। अब कुछ अदर वैरायटीज और देख लेते हैं। तो ग्रैंड नेन MS जो है वह फ्रांस से इंट्रोड्यूस्ड टिश्यू कल्चर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। इसी तरह ड्वार्फ हाइब्रिड्स को देखें तो H110 और H201 जो है इसका ड्वार्फ हाइब्रिड है। नेक्स्ट है लीव स्पॉट एंड ब्रोइंग लिमिटेड रेजिस्टेंट वैरायटीज, तो इसके अंतर्गत आती है H21, H201, H59, H65 और H89। तो फ्रेंड्स, यह लीव स्पॉट और ब्रोइंग लिमिटेड दोनों के लिए ही रेजिस्टेंट है। फिर आती है नेक्स्ट वैरायटी माटी। माटी जो है एक मेल स्टेराइल वैरायटी है जो कि सीवाटोका लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह जो अनाइकम्बन है वह नेमेटोड और पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब देखते हैं प्रोपिगेशन। तो फ्रेंड्स, कल्टीवेटेड बनाना जो है वह सीडलेस होता है, पार्थेनोकार्पिक होता है, इसलिए इसमें प्रोपिगेशन जो है वेजिटेटिवली किया जाता है। वेजिटेटिव मींस जैसे कि स्कर्स, क्रीपर्स और राइजोम जो है इसमें काम में लेते हैं। इसमें जो स्कर्स होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं, स्वॉर्ड स्कर्स और वाटर स्कर्स। तो फ्रेंड्स, जो स्वॉर्ड स्कर्स होते हैं उनमें नैरो सिलेंडर लीफ ब्लेड होती है, लेकिन जो वाटर स्कर्स होते हैं वह ब्रॉडर लीव्स के होते हैं और वेरी अर्ली स्टेज पर यह बहुत चौड़ी पत्तियां वाले होते हैं। तो जो स्वॉर्ड स्कर्स होते हैं वही प्लांटिंग के लिए सुटेबल माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्वॉर्ड स्कर्स होते हैं वह विग्रस होते हैं और यह बिगर और हैवियर बंचेस का प्रोडक्शन विद इन 11 मंथ के अंदर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वाटर स्कर्स होते हैं वह 15 मंथ की एज पर फ्रूटिंग करते हैं। और अगर हम स्वॉर्ड स्कर्स का अगर वेट देखें तो यह 500 से लेकर 750 ग्राम तक होता है, और स्वॉर्ड स्कर की अगर हाइट देखें तो यह 80 to 120 सेंटीमीटर जो हाइट है वह प्लांटिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो टॉल स्कर्स होते हैं उनकी हेडिंग बैक हम कर सकते हैं, हेडिंग बैक जो करना है वह बेनिफिशियल रहता है। इसी तरह पीपर्स क्या होता है, पीपर्स जो होते हैं वह वेरी यंग स्कर्स होते हैं जो कि वेरी लेट और पुअर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम राइजोम से प्लांटेशन देखें तो राइजोम 1.5 से 2 केजी के राइजोम जो है उनमें हॉल या उसके पीसेस जो है प्लांटिंग के लिए काम में लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स, जहां पर हैवी और कंटिन्यूस रेन होती है वहां पर बनाना की प्लांटिंग जो है आफ्टर मानसून यानी सितंबर से अक्टूबर में करनी चाहिए, और वैसे साधारणतया इसकी प्लांटिंग जो है जून जुलाई में की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग में डिस्टेंस जो है 1.2 x 1.2 मीटर से लेकर 1.5 x 1.5 मीटर रखी जाती है।
मीटर स्क्वायर रखी जाती है, सॉरी ये मीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में बनाना ये जो प्लांट है वह 1000 से लेकर 4500 तक के हम प्लांट ले सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो फिंगर टिप डिजीज़ है उसकी प्रॉब्लम कहाँ पाई जाती है, वह प्रॉब्लम पाई जाती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्लांटिंग, तो फ्रेंड्स गुजरात और महाराष्ट्र में इसमें फ्लो मेथड ऑफ प्लांटिंग के काम में लिया जाता है और तमिलनाडु में ट्रेंच मेथड ऑफ प्लांटिंग काम में ली जाती है। और ट्रेंच मेथड जो है स्पेशली वहाँ लगाए काम में लिया जाता है जहाँ पर वेटलैंड सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन होते हैं। अब इसमें देखते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस, तो फ्रेंड्स इसमें जो नेंड्रान पुवन रस्थली और रोबस्टा वैरायटी है उनको 2.1 × 2.1 मीटर स्क्वेयर की डिस्टेंस पर लगाया जा सकता है। इसी तरह बसराई कलहन और जवारी को 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वेयर की डिस्टेंस पर लगाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, तो अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें लेस नंबर ऑफ लीव्स और लेस नंबर ऑफ स्कर्स का प्रोडक्शन होता है, और अगर एक्सेस नाइट्रोजन होती है तो इसमें मैच्योरिटी में डिले हो जाता है और फ्रूट्स में पुअर कीपिंग क्वालिटी आती है। इसी तरह अगर फ्रूट्स में या प्लांट्स में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पुअर ग्रोथ होती है और एक्सेस फॉस्फोरस होने से इसमें कर्व हेड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर प्लांट में पोटास की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे इम्प्रॉपर पंच फिलिंग होती है। इसी तरह पोटास की एप्लीकेशन अगर बढ़ा दी जाती है, इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन की जाती है तो इससे नंबर ऑफ हैंड पर बंच और फिंगर साइज भी इम्प्रूव होती है, फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसी तरह प्लांट के अंदर डिजीज रजिस्टेंस आती है और वाटर अपटेक की जो क्वांटिटी है वह भी रिड्यूस हो जाती है, यानी ओवरऑल जो पोटास है उसकी रिक्वायरमेंट बनाने में ज़्यादा होती है। अब देखते हैं इरिगेशन, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं बनाना एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है जिसको कि थ्रू आउट द ईयर एडिक्वल सॉइल मॉइस्चर चाहिए और वाटर रिक्वायरमेंट, इस हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट जो है बनाना की वह बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स जो ड्राई सॉइल कंडीशन है वह बनाना में यील्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि इससे जो लीव्स होती है उनमें स्टोमेटासाइज का रिडक्शन हो जाता है जिससे इसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस न होने के कारण जो है इसमें यील्ड कम हो जाती है। और फ्रेंड्स ड्रिप इरिगेशन जो है वह बनाना में अर्लीनेस को इंड्यूस करता है, इसी तरह यह 40 से 49% वाटर को भी सेव करता है। अब देखते हैं बनाना में किए जाने वाले कल्चरल ऑपरेशन, तो इसमें किए जाने वाले इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है डीसकरिंग, प्रोपिंग, रैपिंग, अर्थिंग अप, मल्चिंग, मटकिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट पार्ट्स और इंटरक्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान से देखना। सबसे पहले है डीसकरिंग, डीसकरिंग क्या है, रिमूवल ऑफ स्कर्स फ्रॉम प्लांट्स। तो फ्रेंड्स जो बनाना का प्लांट है उसके साइड से स्कर्स निकलते रहते हैं तो उनमें से हमको टाइम टू टाइम स्कर्स को रिमूवल करना है और इसको ग्राउंड लेवल के पास रिमूव करना है। अगर हम हैंड रिमूवल नहीं करना चाहते हैं तो इसको जो स्कर्स होते हैं उनके अंदर अगर हम केरोसिन ऑयल को पोरिंग कर देते हैं तो भी यह स्कर्स किल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो डीसकरिंग की क्रिया है वह 45 days में एक बार करना ज़रूरी होता है। अब आता है प्रोपिंग, प्रोपिंग का मतलब होता है कि जो बियरिंग प्लांट होते हैं फलन वाले पौधे होते हैं उनको सहारा प्रदान करना, तो इसके लिए जो बम्बू क्रचेस होते हैं उनसे इनको प्लांट को सहारा दिया जाता है ताकि यह बेंडिंग या फॉलिंग करके फ्रूट जो है गिर ना जाए, क्योंकि ये जैसे ही इसमें फ्रूटिंग होती है तो हैवी बंच लोड हो जाता है और इसमें विंड के द्वारा भी डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इसमें प्रोपिंग करना ज़रूरी होता है। तो प्रोपिंग की क्रिया है जो यह टॉल और ड्वार्फ दोनों ही वैरायटी के अंदर की जाती है। अब देखते हैं रैपिंग, रैपिंग माने ढकना या कवर करना, तो इसमें जो बंचेस होती है फ्रूट बंचेस होती हैं उनको गनी क्लोथ की मदद से कवर किया जाता है ताकि फ्रूट का कलर इम्प्रूव हो सके और इनको फ्रूट्स को इंटेंस हीट हॉट विंड से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब फ्रेंड्स आपने डी नेवलिंग नाम सुना होगा, तो डी नेवलिंग क्या है, रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फीमेल फेज इज रेफर्ड इज डी नेवलिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जब फ्रूटिंग कम्प्लीट फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके पश्चात जो फ्रूट की बंच होती है उसमें से मेल बर्ड को रिमूव करना ही डीनेबलिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट
अर्थिंग अप। तो फ्रेंड्स, रेनी सीजन के टाइम प्लांट को वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए, प्लांट के बेस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट में गुड रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए अर्थिंग अप किया जाता है। फिर आता है मल्चिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं, बनाना एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो मल्चिंग कर देने से इसमें वाटर लॉस कम होता है। इसके लिए हम शुगरकेन ट्रेसेस और बनाना ट्रेसेस को काम में ले सकते हैं। इस ऐसा करने से इसमें जो नंबर ऑफ इरिगेशन है वह रिड्यूस हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो भी है वह भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट पार्ट्स। तो फ्रेंड्स, बनाना में जो प्लांट पार्ट्स, जैसे कि फ्रूट प्रोडक्शन होने के बाद जो स्यूडो स्टेम है या मेल बड है, लास्ट एंड ओवन फ्लोरेसेंस है, इन सबको हटाना ही रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट पार्ट्स है। अब आते हैं इसमें मेटोकिंग। मेटोकिंग क्या है? सिक्वेंशियल कटिंग ऑफ स्यूडो स्टेम। जो स्यूडो स्टेम होता है इसको एक सिक्वेंस में कटिंग करना ही मेटोकिंग है। आते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स, जो बनाना है वह कोकोनट और अरेका नट प्लांटेशन में बेस्ट इंटरक्रॉप की तरह ग्रोन किया जा सकता है। अब देखते हैं वीड कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, बनाना में जो वेजिटेटिव फेज होती है वह शुरू के 1 से 6 मंथ तक होती है। उस समय अगर वीड कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इसे 60-70% तक यील्ड लॉस हो सकता है। अब देखते हैं इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। तो फ्रेंड्स, फ्लावरिंग की एज तक पहुँचते बनाना में 40 लीव्स का प्रोडक्शन हो चुका होता है। अब देखते हैं इसमें ग्रोथ कर्व। तो जो सीडेड बनाना होता है उसमें सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, ये सीडलेस बनाना में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, और एडिबल क्लोन फ्रॉम मुसा एक्यूमिनाटा में कॉन्केव ग्रोथ कर्व पाया जाता है। इसी तरह मुसा बल्बिसियाना में यह है कॉन्वेक्स ग्रोथ कर्व होता है। और जो बनाना में इनफ्लोरेसेंस है उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है? इनफ्लोरेसेंस का इनिशिएशन होता है हार्ट ऑफ स्यूडो स्टेम। और बनाना का फ्रूट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? उसका डेवलपमेंट होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी से। तो बनाना में जो फ्लावरिंग है वह प्लांटिंग के 9 मंथ बाद में आनी शुरू हो जाती है। जो फ्लावरिंग है 9 मंथ बाद में आती है, और इनफ्लोरेसेंस हम कह सकते हैं कि 9-12 मंथ के अंतर अगत आ सकता है। और जो मेल फ्लावर होता है वह हमेशा एंड ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है, और फ्रूट जो है विद इन 3-4 मंथ फ्लावरिंग के बाद रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अंडर गुड मैनेजमेंट जो बनाना है वह एक 1 ईयर क्रॉप है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक ड्यूअल फैक्टर हाइपोथेसिस पाई जाती है बनाना के अंतर्गत। तो ड्यूअल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम है उसके इलोंगेशन और ग्रोथ के लिए जिब्रेलाइन नामक जो सब्सटेंसेस है वह काम करते हैं। इसी तरह जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए फ्लावरिंग हार्मोन जो है एंथेसिन, यह एक्टिव हो जाते हैं। तो यह हाइपोथेसिस जो है ड्यूअल फैक्टर हाइपोथेसिस कहलाती है। फ्रेंड्स, बनाना में सीडीनेस को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D 25 ppm जो है उसकी एप्लीकेशन जो लास्ट हैंड की ओपनिंग होती है उसके विद इन 1 वीक के अंदर स्प्रे करना जरूरी होता है। इसी तरह बनाना में बंच वेट को इंक्रीज करने के लिए फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में KH2PO4 की 2 स्प्रे जो है वह बेनिफिशियल रहती है। अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, बनाना जो है एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। इसमें जो फ्रूट है वह प्लांट पर यूनिफॉर्मली राइप नहीं होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन और फुली मैच्योर स्टेज पर ही हार्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें हम ये कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योर हो चुके हैं? तो इसके लिए मैच्योरिटी साइन होते हैं, जैसे कि टॉप लीव्स जो है ड्राइंग होना शुरू हो जाती है, फ्रूट का कलर जो है डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाता है, फ्रूट के जो एंगल्स होते हैं वह राउंड होने लग जाते हैं, और इसी तरह जो बंच है फ्रूट की बंच है उसमें जो फ्लोरल एंड होते हैं फ्रूट्स के वो स्लाइट टच होने से ही शेडिंग कर जाते हैं। तो यह सब मैच्योरिटी साइन है, इसके अकॉर्डिंग फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग सीजन। तो इसका हार्वेस्टिंग सीजन 7 से 12 अप्रैल है, और इसमें मैच्योरिटी जो है 90 से लेकर 150 डेज में आ जाती है।
अब देखते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज जो है वह पर्पस पर बेस करती है कि किस किस यूज से हम इसको काम में लेंगे। जैसे कि वेजिटेबल यूज में देखें तो इसकी टेंडर और इमेच्योर फ्रूट्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है। अगर टेबल पर्पस से देखें तो इसको मैच्योर स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्वेस्टिंग तब की जाती है जिसमें जब इसमें 75 से 80% मैच्योरिटी आ जाती है। अब देखते हैं इसमें यील्ड, तो फ्रेंड्स इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी है उससे 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड ली जा सकती है। इसी तरह टॉल वैरायटी से 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर तक यील्ड ली जा सकती है। फ्रेंड्स बनाना में यील्ड को इंक्रीज करने के लिए बंचेस जो होती है, फ्रूट बंच होती है, उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया जाना चाहिए और इसमें KH2PO4 की ट्वाइस स्प्रे जो है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर कर देने से यील्ड इंक्रीज होती है। अब देखते हैं इसमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो फ्रेंड्स बनाना के जो फ्रूट्स होते हैं उनको 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 से 95% RH पर 3 वीक तक स्टोर किया जा सकता है। इनको हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, वेरी लो टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर में इसके फ्रूट जो है ब्लैक हो जाते हैं। और बनाना में सीडलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D 25 ppm की स्प्रे की जाती है। अब देखते हैं रिटार्डेशन ऑफ राइपनिंग, यानी हमारे पास जो बनाना है उनके अंदर हम राइपनिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए बनाना के फ्रूट्स को एम्बियंट टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर स्केल्ड पॉलीथीन बैग्स में रखा जाए तो इनको 10-12 days तक जो राइपनिंग है वह रिटार्ड की जा सकती है। इसी तरह बनाना फ्रूट्स को जिब्रेलिक एसिड 150 ppm या बेनोमाइल 500 ppm में अगर पोस्ट हार्वेस्ट डिप किया जाता है तो भी यह राइपनिंग को रिटार्डेशन करता है। अब देखते हैं अर्ली राइपनिंग इंडक्शन। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि बनाना में शीघ्र पकने की क्रिया हो, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 2,4-D 1,000 ppm में 10 सेकेंड तक फ्रूट को डिप किया जाता है। इससे आर्टिफिशियल जो राइपनिंग है वह इंड्यूस होती है। इसी तरह 5,000 ppm इथरल सॉल्यूशन को 5 ग्राम NaOH की पैलेट्स बीकर में रखते हुए इसको राइपनिंग चैम्बर में अगर हम रखते हैं तो भी यह राइपनिंग को इंड्यूस करता है। अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें स्टेम बोरर और बनाना वीविल जो है 2 सीरियस पेस्ट है। तो जो स्टेम बोरर है इसका ग्रब जो है वह स्यूडोस्टोन के अंदर होल करता है और इसके कारण धीरे धीरे प्लांट जो है अल्टीमेटली डाइड हो जाता है। इसी तरह जो रूट स्टॉक वीविल है, राइजोम वीविल है जिसे कॉस्मोपोलिटस सोरोडिड्स जो इसका साइंटिफिक नेम है, यह एक मोनोफेगस पेस्ट है और यह बनाना की क्रॉप को थ्रू आउट द ईयर हार्म पहुंचाता है। इसके ग्रब जो होते हैं वह राइजोम में बोरिंग करते हैं और इसी तरह अडल्ट जो होते हैं शीथ और स्कर्ट के अंदर हाइड किए रहते हैं। नेक्स्ट आता है बनाना एफिड। बनाना एफिड जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, यह एक माइनर पेस्ट है लेकिन यह मेजर इम्पोर्टेंस का होता है। नेक्स्ट इसमें इंसेक्ट है बनाना बीटल नोडोस्टोमा स्पीसीज। तो यह जो यंग फ्रूट्स और लीव्स होती है उन पर अटैक करते हैं और इसमें जो फ्रूट क्वालिटी है वह भी डिटेरियोरेट हो जाती है। इसी तरह फ्रेंड्स इसमें निमेटोड जो है वह ब्रोइंग निमेटोड होता है, रोडोफोलस सिमिलिस होता है। इसमें जो निमेटोड मैनेजमेंट है इससे बनाना में डबल पेयरिंग इंड्यूस होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए सन हैम्प जो है वह इंटरक्रॉपिंग तरह ग्रोन करनी चाहिए। इसी तरह बनाना राइस बनाना जो क्रॉपिंग सिस्टम है वह भी निमेटोड कंट्रोल करने में मददगार रहता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर बनाना ऑर्चर्ड होता है वहाँ पर ब्रिंजल कुकर बीट्स को नहीं ग्रोन करना चाहिए क्योंकि यह निमेटोड को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह पिसांग लिलिन और टोंगाट जो वैरायटी है वह निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है। अब आते हैं इसमें डिजीज़। तो इसमें लगने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज़ है पनामा विल्ट जिसे हम बनाना विल्ट भी बोलते हैं। यह है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फंजाई के द्वारा होती है। इसे सबसे पहले पनामा के अंदर 1900 सेंचुरी में देखा गया। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह सोइल बोर्न फंजाई होता है
जो कि प्लांट्स के अंदर रूट से एंट्री करता है। और इसके लिए अगर फेवरेबल कंडीशन को देखें तो एसिड एल्यूवियल सोइल, पुअरली ड्रेन्ड सोइल और प्लांटिंग ऑफ बनाना ईयर आफ्टर ईयर जो है इसका स्प्रेड को बढ़ावा देते हैं। अगर इसमें सिम्टम्स देखें तो पनामा डिजीज़ में येलोइंग, हैंगिंग एंड विदरिंग ऑफ लीव्स हो जाता है और राइजम और सूडो स्टेम पर ब्लैक स्ट्रिक्स जो है दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम वैराइटीज़ में देखें तो बनाना की जो पूवन, मूंगली और कावेंडिस है वह पनामा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, लेकिन इसकी जो सोंकल, मोन्थन, रस्थली, मालभोग, अल्पन, मोर्टमान है वह ससेप्टिबल है, लेकिन जो बसराई वैरायटी है, बसराई ड्वार्फ है, वह इसके लिए इम्यून है। यह अपने जहाँ पनामा विल्ट है वहाँ पर भी यह सर्वाइव कर सकती है। तो फ्रेंड्स, पनामा विल्ट के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन है वह भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है डिजीज स्प्रेड होने के लिए। इसी तरह फ्रेंड्स, जो बनाना का मेल फ्लावर होता है वह पनामा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट होता है, लेकिन यह बच्चे टॉप के लिए ससेप्टिबल होता है। तो यहाँ पर पनामा विल्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने देखा है। अब आता है बंची टॉप, जिसे हम कैबेज टॉप भी कहते हैं। इसको सबसे पहले फिजी में 1891 में देखा गया और यह एक वायरल डिजीज़ है। इसका कैजुअल वायरस जो है बंची टॉप वायरस, बनाना वायरस 1, मूसा वायरस 1 है। फ्रेंड्स, वायरस के अलावा जिंक डेफिशिएंसी जो है वह भी बंची टॉप के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो बंची टॉप के कारण जो प्लांट है वह एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव हो जाता है और इसमें जो डिजीज़ का स्प्रेड होता है वह इन्फेक्टेड स्कर्ब्स के द्वारा होता है हेल्दी प्लॉट में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो बनाना की ड्वार्फ वैरायटी है वह बंची टॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होती है और बंची टॉप वायरस का डिटेक्शन करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। और इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन किससे होता है? इसका ट्रांसमिशन होता है बनाना एफिड से, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया नाइग्रो नुबुसा। तो इस जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उनमें जो बंच होती है, फ्रूट बंच होती है, वो बहुत ही शॉर्ट और नैरो लीव्स वाली होती है और जो टॉप ऑफ द सूडोस्टोन है वहाँ पर यह हैंग कर जाती है, इसलिए इसको बंची टॉप कहते हैं। तो इस डिजीज़ के कारण क्या होता है कि जो लीव्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, लीव्स के मार्जिन है वह वेवी हो जाते हैं और जो लीव्स है वह अपवर्ड रोलिंग कर जाती है। तो फ्रेंड्स, बंची टॉप को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना एफिड को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमेटोन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ है लीव स्पॉट, जिसे हम सिगाटोका डिजीज़ भी कहते हैं। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वह भी फंजाई है और इस फंजाई की जो सेक्सुअल स्टेज है उसे माइकोसेफेरेला म्यूसिकोला के नाम से जाना जाता है और इसी तरह सर्कोस्पोरा म्यूसी जो है इसकी एसेक्सुअल स्टेज है। तो फ्रेंड्स, लीव स्पॉट को जो सबसे पहले सिगाटोका वैली इन फिजी 1913 में एज ए एपिडेमिक देखा गया। तो इसमें इन्फेक्शन जो है वह यंग लीव्स की स्टोमेटा से शुरू होता है, इससे लीव्स का साइज स्मॉल हो जाता है, स्टोमेटा अफेक्टेड होते हैं, इससे फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होती है, इस कारण से जो प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग होने लग जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें स्प्रेड ऑफ द लीफ डिजीज। तो फ्रेंड्स, लीफ स्पॉट डिजीज का स्प्रेड होने के लिए हाई ह्यूमिडिटी, क्लोज प्लांटिंग, हैवी वीड और नॉट रिमूवल ऑफ स्कर्स जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए गुड ड्रेनेज होना चाहिए, वीड कंट्रोल, स्कर्स रिमूवल रेगुलरली होना चाहिए और क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी ट्रिपल ए ट्रिप्लॉइड होते हैं वह सिगाटोका लीफ स्पॉट के लिए ससेप्टिबल होते हैं, लेकिन ए डबल बी क्लोन जो है वह सिगाटोका लीफ स्पॉट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इसी तरह इसमें कुछ अदर डिजीज़ भी है, जैसे कि बनाना स्ट्रीक वायरस। यह इस डिजीज़ का स्प्रेड जो है मिली बग के द्वारा, प्लानोकोकस सिट्री के द्वारा होता है। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज़ है बनाना ब्रेक्ट मोज़ेक वायरस, जिसे कि BBMV भी कहते हैं। इसकी ससेप्टेबल वैरायटी है मोन्थन बनाना।
इसी तरह नेक्स्ट डिजीज़ है कोंकण डिजीज़। कोंकण डिजीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है जिसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा होता है। इसी तरह नेक्स्ट आती है मोको डिजीज़। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि स्यूडोमोनास सोलेनोसीरम बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, जो मोको डिजीज़ है उसका ट्रांसमिशन किससे होता है? उसका ट्रांसमिशन होता है फ्लावर विजिटिंग इंसेक्ट के द्वारा। और लास्ट में आता है फ्रूट रोट। तो फ्रूट रोट भी एक फंगल डिजीज़ है। यह मैक्रोफोमिना म्यूसिसिस स्पीसीज और क्लोयोस्पेरियम म्यूसेरियम स्पीसीज के द्वारा होता है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए जो फ्रूट्स होते हैं उनको मेल्टेड पैराफिन के अंदर डिप किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बनाना के अंदर अगर वायरस स्क्रीनिंग करनी होती है तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वह एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बनाना से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।